इस महीना परमेश्वर आपके जीवन में बंद रास्ते खोलने जा रहा है। ओ राबा सिख खराबा होल राबा रिक खराब प्रभु जी, इस महीने तो इनको तू आशीष देने जा रहा है, इनके बंद मार्ग को तू खोलने जा रहा है। और जितने भाई बहन थे राज्य के लिए इस महीना पिता अपने हाथ को आग बढ़ाकर बीज बोने जा रहे हैं, उनके जीवन में तू आशीष के दरवाजे को खोलने जा रहा है, बंद काम को तू शुरू करने जा रहा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इन सारे भाई बहनों को पिता पुत्र पवित्रात्मा के सामर्थ्य नाम में हम आशीष की चंगाई की छुटकारे की यीशु मसीह के मधुर मीठा समाज साथियों पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ नए मंथ का प्रॉमिस वचन। और मेरे पियो, इस महीना परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, आपके बंद कामों को शुरू करने जा रहा है। आप जो कार्य करेंगे परमेश्वर इस महीने उस पे ऊपर आशीष को भेजने जा रहा है। हालेलुया। और जितने भाई बहन उसके वचन पे इस महीने चलेंगे परमेश्वर उनके जीवन में बंद आशीषों को देने जा रहा है। खोई हुई आशीष से जो छीन चुकी थी उनसे उसको दोबारा वो ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो आशीष से उनको रिटर्न करने जा रहा है। जितने भाई बहन इस महीने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर प्रभु के राज के लिए बीज बोएंगे, उसके कार्यों के लिए सहयोग करने जा रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए उनके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम इस सभा को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। धन्येश्वर राजा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद पिता इस सुंदर दिन के लिए पिता, ये सुंदर वचन के लिए पिता, और सुंदर महीना के लिए पिता। प्रभु जी एक नया महीना दिया, एक नया दिन दिया पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जो वचन बोया जाएगा पिता आज की पिता परमेश्वर संध्याकालीन प्रभु जी, इनके हृदय में उतरने पाए, पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करिए पिता कि वचनों पर चल सके खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं। शुरू से लेकर अंत पवित्र आत्मा का गवाही बैठा दीजिए पिता, ताकि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए, यही प्रार्थना करते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु पिता जी, आशीष मांगते हैं सुंदर यज ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। और इस महीने जितने भाई बहन प्रभु की आज्ञाओं पे चलेंगे, चलने का वादा करेंगे उस पे चलेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। और जितने भाई बहन प्रभु के राज के बढ़ोतरी के लिए अपने हाथ को इस महीने बढ़ाएंगे, परमेश्वर उनके जीवन में वो जितना बीज बोएंगे उसके 100 गुना वो काटने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि इस महीने का वचन निर्गम 20 अध्याय के उसके 24 पद से पढ़ेंगे, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन आपसे कहता है मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर आपके हृदय में वास करना चाहता है मेरे पियो, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम उससे अलग होते जा रहे हैं, हम उसके वचनों से हम भटक कर हम अपने राज की खोज कर रहे हैं। जब हम प्रभु के राज की खोज करेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। कब मिल जाएगी, पहले धर्म और उसके राज की खोज करो तो जो वस्तुएं तुम्हारे जीवन यापन के लिए है वो वस्तुएं तुम्हें सब मिल जाएगी। पहले हम उसके धर्म उसके राज की खोज करें तो जो कुछ हमारे जीवन में आशीष चाहिए वो परमेश्वर हमारे जीवन में देने के लिए तैयार है। और यहाँ वचन कहता मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। जब आप उसके वचन पे चलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घरों में, आपके सैलरी पे, आपके बिजनेस, आपके शॉप में आकर आशीष देगा। हालेलुया। मेरे पियो, यीशु मसीह अंदर नहीं है, यीशु मसीह बाहर है, और बाहर से वो आपको न्योता दे रहा है कि हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल दे मेरे लिए, ताकि मैं अंदर आकर तेरे हृदय में वास कर सकूं। हम उससे प्रेम करने वाले हो जाए, सच्चाई ईमानदारी के साथ संपूर्ण मन से हम उससे प्रेम करें। और प्रेम कर रहे हैं आप उसको कैसे बता सकते हैं मेरे पियो, केवल उसकी आज्ञाओं को पालन करके, उसके वचन पे चलकर हम अपने प्रेम को उसके प्रति हम दर्शा सकते हैं। हम उससे प्रार्थना करेंगे प्रभु पवित्र आत्मा को सहायता प्रदान करिए कि मैं तेरे वचन पे चलने वाला बन जाऊँ। हालेलुया। भजन संहिता 115 के 13 पद में कहता है क्या छोटे क्या बड़े, जितने लोग यहोवा के डरवाई है वह उन्हें आशीष देगा। छोटे बड़े अमीर गरीब परमेश्वर के नजर में ये नहीं है, उसके नजर में सब मनुष्य एक समान है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सबके लिए भला है। आप पापी हैं, अपने पापों का अंगीकार उसके सामने कर लीजिए, परमेश्वर आपके लिए भी भला है।
आप पाप में डूबे हुए हैं, चाहे कितने बड़ी पाप किए हों, परमेश्वर से माफी मांगे, दोबारा ना करने का उससे वादा कीजिए। ओ दयालु परमेश्वर का कार्य परमेश्वर है, ओ हम सब पर दया करेगा, ओ हम सब पर दया करेगा मेरे पियो, और अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र करेगा और हमें अपने राज का वारिस बनाएगा। और उस राज का वारिस जब बन जाए तो उसमें बने रहने के लिए हमें लगातार उसके वचनों पे चलते रहना है, हमें उसके वचन पे बने रहना है। बहुत से भाई बहन लोग जब मसीह यीशु को स्वीकार करेंगे तो उसके वचन पे चलेंगे एक महीना दो महीना, उसके बाद उससे भटक जाएंगे। जब उनके जीवन में समस्याएं आएंगी, दुख आएंगे, तो परमेश्वर से वह अलग हो जाएंगे। मेरे पियो, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुझे दुख की भट्ठी से चुन लिया है। जब आप उस समस्याओं से आगे निकलेंगे, परमेश्वर आपके लिए आशीष रखा है और इस महीने परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, बंद रास्ते खोलने जा रहा है, समस्याओं का समाधान आपको मिलने जा रहा है। जितने भाई बहन उसके पास से सच्चाई ईमानदारी संपूर्ण मन से उसके पास आएंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, परमेश्वर इस महीना उनके जीवन में आशीष को भेजने जा रहा है। क्या छोटे क्या बड़े, क्या अमीर क्या गरीब, उस सबों को जितने उसके वचनों पर चलने वाले हैं उन्हें वह आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। वरन आपके घराने को भी, आपके घर के परिवार के लोगों को भी वह आशीष दे। भजन संहिता 115 के उसके 12 पद को देखेंगे तो वहां पास लिखा है यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा और वह हारून के घराने को भी आशीष देगा। परमेश्वर जब आप प्रभु के वचन पे चलते तो आपके द्वारा आपके घर के लोग आशीष को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हम बच गए काफ़ी नहीं, दूसरों को भी बचाना है। हम उद्धार का मार्ग पा लिए हैं, दूसरों को उद्धार का मार्ग हमें दिखाना है। तो हमें वचनों पे चलते हुए, जब हम प्रभु के वचन पे चलते हैं और मुझसे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे घराने को बचाता है। आपके प्रार्थना के द्वारा जब आप प्रार्थना करेंगे वो व्यक्ति सुनेगा या नहीं भी सुनेगा तो भी परमेश्वर आपके प्रार्थना के द्वारा उनके हृदय में कार्य करेगा, उनके दिल और दिमाग में कार्य करेगा और आने वाले दिनों में वो व्यक्ति भी अपने मुँह से प्रभु की महिमा करेगा। यशायाह 61 के 9 पद में परमेश्वर का वचन हमसे साफ साफ कहता है उनका वंश से अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच में प्रसिद्ध होगी। किनके संतान और किनके घराने के लोग देश देश में प्रसिद्ध होंगे? जो उसके आज्ञाओं पे चलते हैं, जो उसके आज्ञा पे मनन करते हैं, जो उससे डरते हैं, यानी कि डरने का अर्थ जो उसके वचन पे चलता है, उसकी आज्ञाओं पे चलने के लिए वह बेचैन रहता है, परमेश्वर आपके नाम को, आपके घर को ऊपर उठाएगा। आप जहां भी जाएंगे वह कहेंगे कि यही वह व्यक्ति है जो परमेश्वर की द्वारा आशीष को प्राप्त किए हैं। यह वचन कहता है उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच में प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वही वंश है जिनको परमेश्वर ने आशीष दी है। आपके द्वारा आपके घर के परिवार के लोग, आपके बाल बच्चे आशीष को प्राप्त करेंगे और वह ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, केवल हम प्रभु के वचनों पे चलने वाले हो जाए। और परमेश्वर आपको इतना बढ़ाया है कि शत्रु आपको देख भी नहीं सकते। हालेलुया। हम परमेश्वर की ओर ताकने के बजाय हम शत्रु की तरफ ताकते हैं कि शत्रु मेरी हानि पहुंचा देगा। अगर हम परमेश्वर की ओर ताकने वाले हो जाएं तो शत्रु अपने आप गिर जाएगा। भजन संहिता 115 की 14 पद में लिखा है यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। जब हम वचन पे चलेंगे, जब हम आज्ञा पे चलेंगे तो परमेश्वर हमें और हमारे घर के परिवार के लोगों को भी बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। हम उसके वचन पे चलने वाले हो जाए, हम उसके आज्ञाओं पे चलने वाले हो जाए, इस महीना परमेश्वर आपके जीवन में बंद रास्ते खोलने जा रहा है। आप सोच रहे हैं मैं ये कार्य करने में असमर्थ हूँ, वो कार्य प्रभु पर छोड़ दीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हाँ प्रभु, मैं ये कार्य करके थक चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि तेरे बगैर मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ कि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ओ चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो मेरे पियो, ओ चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे पढ़ाई में, चाहे नौकरी में, चाहे बिजनेस पे, बीमार पड़े हैं, थक चुके, दवाई खाकर
प्रभु पर छोड़ दीजिए, प्रार्थना पूर्वक दवाई खाइए, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। और जब आप उससे प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रभु मैं ये कार्य करके थक चुका हूँ, ये कार्य मैं तुझको समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू ही है जो ये कार्य को कर सकता है। आप बिजनेस में असफलता को प्राप्त कर रहे हैं, दिन पर दिन आपको लॉस होते घाटा होते जा रही है, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना कीजिए, जो गलतियाँ आपने किए हैं उन गलतियों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगिए, और दोबारा ना करने का उससे वादा कीजिए। उसके वचनों पर चलने के लिए, कमाई का दशमांश देने के लिए उससे वादा कीजिए, परमेश्वर आपको इसमें और भी बढ़ाता जाएगा। और जब हम ऐसा कार्य करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को भेजता है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 115 के 15 अध्याय में लिखा हुआ है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी करता है उसी की ओर से तुम आशीष पाए हो। आज आपके पास जो कुछ भी है वो आपकी बदौलत नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आशीष के द्वारा है। तो हम उस आशीष में से हम प्रभु के कार्यों के लिए हम आगे आए। परमेश्वर और भी हमारे जीवन में आशीष देना चाहता है, लेकिन हम शैतान के चालों में फंसकर हम अपनी आशीषों से वंचित हो जाते हैं। जब आप 1,000, 1,500, 2,500, 100 रुपया जब आप ये प्रभु के कार्य के लिए देते हैं सच्चे हर्ष उल्लास के साथ, तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है और अपनी इच्छा के अनुसार वह आपके जीवन में आशीष को भेजता है। लेकिन आप दे दिए और आपके अंदर उस पैसे के प्रति चिंता है कि ये मेरे पास रहता तो ये कार्य कर सकता था, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। जो शक आया, जो विचार आया, वह शैतान के द्वारा आपके पास आया है। हालेलुया, वह शैतान के द्वारा आपके पास आया है ताकि आपके अंदर ये भिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न हो और आप परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाए। जब ऐसा विचार आए हमारे मन में, हमें ईश्वर से के नाम में उनको झिड़काना है, उस पे हमें जय प्राप्त करना है। जो भी आपके अंदर शक आ रहा है उन बातों को ईश्वर से के नाम में निकालना है। हमें जयवंत को प्राप्त करना है, प्रभु हमें आशीष देने के लिए तैयार है। आज जो कुछ हमारे पास है वो हमारी बदौलत नहीं है, सरकारी नौकरी है, अच्छे से खा पी रहे हैं, इन परिस्थितियों में परमेश्वर ने आपको अच्छे से रखा है, ये हमारे बुद्धि ज्ञान से नहीं, बल्कि यह परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, उसकी दया और उसकी आशीष से आपके पास यह सब कुछ आया है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को कभी भूलना नहीं। सुख हो या दुख हो, हमेशा उसके वचन पे चलने के लिए उससे प्रार्थना कीजिए। अगर आपके पास सब कुछ है तो और भी अच्छे, और भी सच्चाई के साथ है प्रभु के करीब आइए। ऐसा ना हो कि जो आशीषें आपके जीवन में आई है वो आशीषें आपको प्रभु से अलग कर दे, इसके बाद आप आशीषों से हाथ धोना पड़े। जो कुछ हमारे पास आया है हम उसको बनाए रखने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते रहें, उसके वचनों पे हम चलते रहें, परमेश्वर निश्चय कर्म करने के लिए हमारे जीवन में तैयार है। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी करता है उसी की ओर से तुम आशीष प्राप्त किए हो। हालेलुया, और इस महीना भी परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया, जितने भाई बहन इस महीने अपनी कमाई का दसवां अंश और उस भेंट दान राशि परमेश्वर के कार्य के लिए देने जा देंगे, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष को भेजने जा रहा है, बंद काम को शुरू करने जा रहा है। केवल हम विश्वास के साथ हम करने वाले हो जाएं, परमेश्वर हमको आशीष देने के लिए तैयार है। प्रभु वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने हृदय को प्रभु के उठाते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। ओ राबा सिख राबा हुल राबा रिख राबा। हाँ प्रभु जी, जितने भाई वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए, ये वचन सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पे चलने वाले हो जाए पिता। प्रभु जी, इस महीने तो इनको तू आशीष देने जा रहा है, इनके बंदमार को तू खोलने जा रहा है, और जितने भाई बहन थे राज्य के लिए इस महीना पिता अपने हाथ को आग बढ़ाकर बीज बोने जा रहे हैं, उनके जीवन में तू आशीष के दरवाजे को खोलने जा रहा है, बंद काम को तू शुरू करने जा रहा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इन सारे भाई बहनों को पिता पुत्र पवित्रात्मा के सामर्थ्य नाम में हम आशीष की चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। जितने भाई उन पिछले मंथ पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं, भेंट दरासी दशमांश भेजे हैं पिता,
उन सबों पे तेरी आशीष उतर नहीं पाए, और जितना बीज बोए हैं पिता उसके सौ गुना तू आशीष देने जा रहा है, उनके तू आश्चर्य कर्म उनके जीवन तू करने जा रहा है, उनके बंद काम को तू करने जा रहा है, उनके शरीर विध में शौक में तो आशीष को भेजने जा रहा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, जो भेजने वाले इसमें भेजने में सहायता प्रदान कर, शैतान के हर रुकावटों को हम ईश्वर के नाम में हम तोड़ते हैं, इनको छुटकारे की घोषणा करते हैं। मैंने बस संभाल रहा पिता, पंगुतरे छुपाए रखा, दुर्गा बीमारी महामारियों से बचाए रखा, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। अब तक हम सबको संभाल रखा, हर एक महामारी दुर्घटना बीमारियों से बचाए रखा, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, आगे हम सबको पंगुतरे छुपाए रख, ये महीना पिता हमारे जीवन तो वासी तोड़ने जा रहा है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। ये नया महीना इन सारे भाई बहनों के जीवन में आशीष को लेने आ रहा है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इनको तो आशीष देने जा रहा है पिता, बंद काम इसमें तू शुरू करने जा रहा है, बंद मार्गों को तू खोलने जा रहा है, जो बीमार पड़े उनको तू चंगाई देने जा रहा है, रुका हुआ आशीष जो इनके जो रुक चुके हैं उनको तू दोबारा देने जा रहा है, रीस्टोर करने जा रहे इनके लाइफ को, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, जो आशीष खो चुके हैं वो आशीषों को इनको तू देने जा रहा है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। राबा सीख खराबा, बीमार पड़े तेरे नाम से चंगे होने पाए, चिंताएं इनके जीवन से निकलने पर, बंद मांग इनके खुलने पर पिता, हर एक समस्याओं का समाधान तो इसमें देने जा रहा है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, अब तक हम सबको संभाले रखा, धन्यवाद। आगे हम सबको संभाले रख, ये वचन जिस घर में चलिए उस जगह पिता परमेश्वर आशीष उतरने पाए, बंद रास्ते ईश्वर के नाम में खुलने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, वहाँ अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए, बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए, चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए, इन सबों को तू आशीष प्रदान किया, धन्यवाद। सुना धन्यवाद, यीशु पिता जी आशीष मांगते हैं, सुंदयास ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे पियो, हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए, परमेश्वर हमारे जीव में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ताकि और भाई लोग यीशु मसीह को जान करें, अपने जीवन को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।